कि गांव में किसी की गाय बहन बीमार हुई, फोन कर देना, डॉक्टर और दवाई आपके गांव में गाड़ी से आ जाएगा और इलाज करने का काम करेगा। ये हमारे गांव की व्यवस्था जो है प्रणाली इसी में चलती है, कोटा काटो कोटा जोड़ो। दूसरा पेंशन जोड़ दी, पेंशन घटा दी, इसलिए हमने तय किया कि गरीबों के इलाज और वितरण के लिए व्यवस्था ठीक करेंगे। वहीं एक भी गरीब परिवार नहीं छूटेगा जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें और समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। साथ ही साथ कई पेंशने हैं, विकलांग को अलग तरीके से मिलती है, विधवा पेंशन अलग है, समाजवादी पेंशन में 500 रुपया महीना मिलता है। हमने तय किया है सभी पेंशन पाने वालों को और जो छूट गए गरीब उनको शामिल करते हुए 1 करोड़ लोगों को पेंशन देकर के समाजवादी पेंशन 1000 महीने की करने का काम समाजवादी लोग। हम तो व्यवस्था करना चाहते हैं, गरीबों की मदद करना चाहते हैं, किसान खुशहाल हो, हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार का भी इंतजाम। हम कहते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं कि हम इन्हें परीक्षाएं खत्म कर देंगे, इंटरव्यू खत्म करा देंगे। अभी पुलिस भर्ती कराई थी हमने, 10वां और 12वां नंबर पाने वाले जो परीक्षा होती थी वो जानते होंगे, परीक्षा हमने हटवा दी और सीधे 10वें 12वें के नंबर जितने हो और भाग के दिखा देना, जो सबसे आगे होगा वो अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाएगा नौजवान, और 1 लाख नौजवानों को नौकरी देने का इंतजाम हम करने जा रहे हैं पुलिस भर्ती में। और आसान भर्ती, लैपटॉप भी बांट के दिखा दिया, कोई गांव नहीं बचा होगा जहां पर समाजवादी ने जब लैपटॉप बांटा था न पहुंच गया हो। अब तो हम स्मार्टफोन देने भी जा रहे हैं जिससे सरकार से सीधे सीधे आप जुड़ सको। और अभी तो बीजेपी वालों ने तो कमाल किया था, हमें और आपको अच्छे दिन के बहाने लाइन में लगा दिया, कोई नहीं बचा जो लाइन में लगाया हो। और बताओ 500 रुपया किसी में बचा पुराना वाला, किसी में नहीं बचा, सब जमा करा लिया, सब उन्हीं के खाते में पहुंच गया। और अब तो पैसा बहुत है आपके पास, आपने तो कहा था कि गरीब को हम 15 लाख रुपए भिजवा देंगे, 15 लाख रुपए तो दूर, अगर 15,000 रुपए ही हम लोगों को भिजवा दिए होते तो बताओ। लाइन में लगे लगे लोगों की जान चली गई, कई लोग मर गए, कोई मदद नहीं। अगर किसी ने मदद किए तो समाजवादी लोगों ने 2 लाख रुपए देकर के उनकी भी मदद की। इसी तरह सुना होगा पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का जन्म भी हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। कोई मदद नहीं की, हमने जानकारी की ये कौन है ये, तो पता लगा उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार का सदस्य है। हमने बुलाकर के उसकी भी 2 लाख रुपए से मदद करने का काम। इसलिए समय हम नहीं लेना चाहते, हमारी बहुत समाएं हैं आज। हम आपसे सीधा कहना चाहते हैं कि नौजवान प्रत्याशी आपके बीच आया है, नौजवान प्रत्याशी है आपका, और बहादुर देवदास सिंह जितना क्षेत्र में काम कर सकते उन्होंने काम किया है।